और सीधे आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां हावड़ा में स्मृति ईरानी की रैली चल रही है। बंद करो और अपनी बंद कर लेना। আমি আজকে জিজ্ঞাসা করতে চাই দিদি, গরিবের প্রতি এত অন্যায়টা কেন করলেন আপনি? শুভেন্দু দা, দিলীপ দা, রাজীব দা বলছিলেন আমরা এখানে শিল্পী করব, লেকিন যাহা পর উদ্যোগ নেই। লকডাউন হুয়া তো কেন্দ্র কি সরকার নে কহা কি উন বেটো কো বেটিয়ো কো ঘর লটানে কে লিয়ে হম শ্রমিক ট্রেন দেনে কে লিয়ে তৈয়ার হ্যা। আর দিদি কি করেছে বলেছে না না না, এটা তো করোনা এক্সপ্রেস। আমি দিদিকে আজকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, ক্যা পশ্চিম বঙ্গাল কা বেটা আর বেটি জো দেশ ভর মে নৌকরি কি তলাশ মে নিকলে ও ভাইরাস হ্যায়? দেশ কে ইতিহাস মে পহলি বার এক এসি মুখ্যমন্ত্রী জিসনে আপনে নাগরিকোঁ কো প্রদেশ মে ঘুসনে কে লিয়ে ইনকার কর দিয়া আর প্রধানমন্ত্রী জি কে ব্যবস্থা কো দরকিনার কর দিয়া। আজকে দিদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চায়, শ্রমিকের আত্ম অপমান কেন করেছ? প্রধানমন্ত্রী জি নে গরিব রোজগার যোজনা কে অন্তর্গত ইয়ে ভি কহা कि हम हर घर लौटे श्रमिक को कम से कम 100 दिन का काम दे। दीदी देश भर में 50 कोटि मैंडेस थी के बेशी काज सबाई श्रमिक रा पेचे बांग्लाए पाएने। ताई जोन ने अपना के आज के जीश करते चाहे, गरीब श्रमिक के रातों अपमान क्यानो करले, आतो क्षति क्यानो करले? আজ আমি প্রধানমন্ত্রী জিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। দিদি চাল দিতে চাইছিলেন না, প্রধানমন্ত্রী চাল দিয়েছেন, ডাল দিয়েছে। দিদি গরিব মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা দিতে চাইছিলেন না, প্রধানমন্ত্রী জনধন খাতায় পুরো দেশের মহিলাকে 30,000 কোটি টাকা স্টেট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দিয়েছে। আজকে আমি পশ্চিমবঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। দিদি গ্যাস সিলিন্ডার দিতে চাইছিলেন না, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা মাধ্যম থেকে পশ্চিমবঙ্গে 80 লাখ গরিব মহিলাদেরকে গ্যাস সিলিন্ডারটা দিয়েছেন। আর তাই জন্য আজকে আমি বলতে পারি দিদি যাচ্ছে নিজের ক্ষেত্রে যে জনতার হেল্প করতে চাইছিল, बंगाल की गरीब जनता से इतनी दुश्मनी क्यों पाल ली आपने कि गरीब तक ना जनप्रतिनिधि पहुंचे, ना रोटी पहुंचे, ना नौकरी पहुंचे, इतना बड़ा पाप क्यों किया आपने? मैं आज हर उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि व्यक्त करना चाहती हूं, इतनी दुश्मनी क्यों पाल ली आपने कि गरीब तक ना जनप्रतिनिधि पहुंचे, ना रोटी पहुंचे, ना नौकरी पहुंचे, इतना बड़ा पाप क्यों किया आपने? मैं आज हर उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि का अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहती हूं जिसने भारत सरकार के साथ साथ कर दिया और हमें पता भी नहीं चलने दिया। दीदी आज के अपना के जाना दे चाहिए, अपने यहां तो महापाप करे छेन, बंगाल की जनता आपको कभी उसके लिए माफ नहीं करेगी। और बंगाल ने मात्र कोविड की पीड़ा को नहीं सहा, अम्फान की जो
चेतावनी केंद्र ने 11 दिन पहले दी। और मैं जानती हूं कि अमित शाह जी ने बंगाल की धरती से बार बार ऐलान किया, बार बार आग्रह किया, दीदी आप किसान सम्मान निधि का लाभ बंगाल के गरीब किसानों तक पहुंचने दें। अमित जी से कोटने चाहे दीदी बांग्लार कृषकरा आपनार की खोदी कोड़े আপনি দু বছর বাংলার কৃষককে কৃষক সম্মান নিধির লাভের থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। অমিত শাহজি বার বার বলেছেন কি আপনি কৃষকদের তালিকাটা দিন, আমরা 24 ঘন্টা এক একটি কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকাটা তুলিয়ে দিব, কিন্তু আপনি আজ অবধি তালিকাটা দিলেন না। কিউকি দিদি ये जानती है कि टीएमसी में जब तक कट मनी नहीं आता है तब तक काम नहीं हो पाता है, और इसीलिए आज दिलीप दा कहते हुए मुझे अजीब लगता है कि आपके नेतृत्व में लोकसभा में जब यशस्वी परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिला प्रदेश में, तो दीदी का अपने कार्यकर्ताओं को पहला वक्तव्य यह था, हे कटमनी फिरोद्दा, कटमनी फिरोद्दा। प्रथम बार एक नेता सार्वजनिक बोले छे कि हैं टीएमसी कटमनी टा निये छे, और जनता गई, दीदी तो आज के द्वारे द्वारे फिर छेन, जनता गई द्वारे द्वारे बोल लो कटमनी टा फिरोद्दा। ताई जन ने आज के बोलते चाहे যেখানে দুর্নীতি সেখানে টিএমসি, চাল চুরিতে টিএমসি, ডাল চুরিতে টিএমসি, ত্রিপাল চুরিতে টিএমসি। তাই বাংলার মানুষ এখন ঠিক করেছে কি এইবার টিএমসি যাচ্ছে, বিজেপি আসছে। ইসিলে आज जितने कर्मठ कार्यकर्ता राष्ट्रभक्त भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं, उन सब का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वीर कार्यकर्ताओं का सम्मान, शहीदों के बलिदान को प्रणाम करते हुए मैं दीदी से कहना चाहती हूं कि आपने भले ही प्रभु राम के नाम को त्याग दिया हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में राम राज्य दस्तक दे रहा है। इसी विश्वास के साथ कई बार दुशो पार सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की।